हादसा पर बोली प्रियंका गांधी, सरकार को एक्शन लेना ही पड़ेगा। पीएम मोदी करे केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त। लखीमपुर खीरी जा रहे नवजोत सिंह सिद्धू के काफिले को रोककर पुलिस ने हिरासत में लिया। आम नागरिकों की हत्या को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, बोले आतंकवाद ना नोटबंदी से रुका। वरुण गांधी और मेनका गांधी बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर। मलेरिया के खिलाफ बड़ी उपलब्धि, सालों से चल रहे क्लिनिकल ट्रायल के बाद WHO ने दी वैक्सीन को मंजूरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। लखीमपुर जाने का आज लगातार सियासी जमावड़ा लगा हुआ है। एक तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त लखीमपुर खीरी पहुंच चुके हैं। लखीमपुर खीरी में सपा मुखिया अखिलेश यादव पलिया में मृतक किसानों के परिजनों से मिलने के बाद निघासन पहुंचे। यहां निघासन में मृतक पत्रकार रमन कश्यप घर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की। सरकार उन्हें न्याय दे और न्याय इसलिए मिलना चाहिए, ताकतवर के खिलाफ FIR हुई है। देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे के खिलाफ FIR दर्ज है। अरे कहां सरकार क्यों गिरफ्तार नहीं करने दे रही है? और अगर गिरफ्तार नहीं हो रहे तो कोई ना कोई बड़ी साजिश है। गिरफ्तारी हो, जेल जाएं और परिवार की जो मदद का समाजवादी पार्टी ने मांग की थी कि परिवार को 2 करोड़ रुपए की मदद हो, सरकारी नौकरी दें और तुरंत गिरफ्तार हों और गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें। मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सो मोटो लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी आने वाले समय में सरकार की नोटिस हुई है। राजधानी लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने पहुंचे हैं, लेकिन राज्यपाल से मिलने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने समय नहीं दिया गया, जिसके बाद राजभवन के बाहर अजय कुमार लल्लू धरने पर बैठ गए। कांग्रेस के विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा और MLC दीपक सिंह भी साथ में मौजूद रहे। राजभवन के सामने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू धरने पर बैठे हैं। राजभवन के अंदर नहीं बुलाए जाने पर धरने पर बैठे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नेता विधानमंडल दल आराधना मिश्रा मोना और नेता विधान परिषद दीपक सिंह, प्रवक्ता अंशु अवस्थी तमाम सहित कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री चैन के नींद में सोए हुए, किसानों की निर्मम हत्या हुई। अब तक जो लोग हत्या में शामिल है ना उनकी गिरफ्तारी हुई और जो मंत्री है ना उनको इस सरकार ने बर्खास्त किया। जो लोग मुलजिम है वो बेखौफ होकर घूम रहे हैं। और अगर आदरणीय प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी मिलने जाना चाहते हैं, संवेदना व्यक्त करने जाना चाहते हैं, तो उन लोगों को गिरफ्तार करके 4-4 दिन पुलिस के PSC के कैंप में रखा जाता है। गुंडा राज है, तानाशाह की राज है, दमन की राजनीति हो रही, हत्यारी सरकार है। आज हम सब लोगों ने सवेरे ही महामहिम से समय मांगा। हमारी नेता CLP लीडर आराधना मिश्रा जी, हमारे विधान परिषद के नेता दीपक सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक अमरेश पांडे जी, हमारे तमाम संगठन के पदाधिकारी मिलकर इस उत्तर प्रदेश के जंगल राज के खिलाफ मंत्री की बर्खास्तगी के लिए, और जो लोग इस तरह का कृत्य किए हैं, जिन्होंने गाड़ी से कुचलकर किसानों की हत्या की, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन अभी तक महामहिम ने मिलने का समय नहीं दिया। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र नहीं बचा है। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए और जो लोग दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी और मंत्री के बर्खास्त।
लखीमपुर से वापस किसान नेता राकेश टिकैत दिल्ली रवाना हुए। इसी बीच रामपुर पहुंचने पर मीडिया से मुखातिब होते हुए घटना को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कई बातें बताई। इस तरह की घटना पर कानून को अपना काम करना चाहिए, कानून को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। लखीमपुर में जो भी हुआ वो किसानों के खिलाफ एक चाल थी। आप भी सुनिए किसान नेता राकेश टिकैत का ये बयान। देखो, अभी गिरफ्तारी और मंत्री का इस्तीफा 12 तारीख तक टाइम है। 12 तारीख को हम अगला निर्णय लेंगे। 12 तारीख तक सरकार के पास में टाइम है, पूरा देश में आंदोलन होंगे। क्या होंगे, कैसे होगा, रणनीति हम 12 तारीख को बनाएंगे। दो चीजें रह रही है, उनको मुआवजा सरकार ने दे दिया 5 लोगों को, 5 लोगों की उसमें डेथ हुई है और जो किसान थे पत्रकार भी थे उनको इंसाफ जब मिलेगा, जब उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी और जो केंद्रीय मंत्री हैं अजय दैनी उनका इस्तीफा। अब तक जो गिरफ्तारी की हुई क्या ऐसी वो सरकार के लोग बताएंगे, जो अधिकारी हैं आप इनसे भी जरूर क्वेश्चन करो कि लखनऊ से पूछोगे क्यों नहीं हुई। अच्छा, इसमें और नेताओं को आने पर जिस तरीके सख्ती गई, प्रियंका गांधी या अन्य पार्टी के सभी इसमें राज्य को सभी को जाना चाहिए वहाँ पे और कुछ ना कुछ उन परिवारों की मदद करनी चाहिए। आजमगढ़ के मंडलीय चिकित्सालय में पीएम केयर्स फंड के बने ऑक्सीजन प्लांट को लोकार्पण हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अखिलेश मिश्रा, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एके सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे। मंडलीय अस्पताल में काफी दिनों से ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत होने की प्रतीक्षा की जा रही थी। अस्पताल में जिले के सबसे ज्यादा मरीज आते हैं और कोरोना काल में भी मरीजों का ऑक्सीजन काफी जरूरत महसूस हुई थी। तभी मंडलीय चिकित्सालय समेत आजमगढ़ के 7 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना का निर्णय लिया गया था। वहीं अब मंडलीय चिकित्सालय में प्लांट के शुरू होने से अस्पताल के प्राइवेट वेंडरों पर निर्भरता नहीं रहेगी। यह पर भर्ती मरीजों के लिए यह काफी सुविधाजनक हो जाएगा। मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद अखिलेश मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री के जन सेवक के रूप में 20 साल पूरा होने के अवसर पर इसका लोकार्पण हो रहा है। आज उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड की धरती से पूरे देश में 28 राज्यों में एक साथ जो कोरोना महामारी आई थी, देश में ऑक्सीजन की जो भी थोड़ा बहुत कमी थी उसको पूरा करने के लिए 1132 ऑक्सीजन प्लांटों का एक साथ। अयोध्या की एक नई पहचान बन चुकी है। अयोध्या की रामलीला का मंचन शुरू हो गया है, जिसमें अभिनय कर रहे फिल्मी कलाकारों ने रामलीला के पात्रों को जीवंत कर दिया। रामलीला में पहले दिन रावण का किरदार निभाने वाले पहुंचे अभिनेता शाहबाज खान ने बताया कि इस बार की रामलीला पिछली बार से बहुत अलग है और इस बार बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिछली बार की रामलीला में पहले दिन रावण की एंट्री नहीं थी, लेकिन इस बार रावण की पहले दिन ही एंट्री हो रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 16 करोड़ दर्शकों ने दिया प्यार दिया, इस बार उम्मीद है कि 25 करोड़ दर्शक इस रामलीला को देखेंगे। शाहबाज खान ने बताया कि रावण के रूप में अरविंद त्रिवेदी का रोल सबसे अच्छा है। वहीं अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अयोध्या को दीपोत्सव के माध्यम से एक नई पहचान मिली है। उसी तरह अयोध्या की रामलीला ने जो कमी थी उसे भी पूरी कर दी है। अयोध्या की रामलीला का शुरुआत हुई है प्रभु श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में। अयोध्या की रामलीला ये अपने आप में एक अलग ही महत्व रखती है। आज जिस प्रकार यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दीपोत्सव के माध्यम से पूरे विश्व ने, पूरे देश ने दीपोत्सव देखा था और सराहा था अयोध्या को, आज अयोध्या की रामलीला के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में लोग देख रहे हैं कि अयोध्या में भव्य दिव्य रामलीला हो रही है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को हृदय से साधुवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा और अयोध्या की जो कमी थी वो इस रामलीला के माध्यम से पूरी हुई। बहुत इस बार अलग देखने को मिलेगा। ये रावण में बहुत सारी डायलॉग्स में इसमें उसमें बहुत कुछ बढ़ाया है और बहुत अलग किया है। पिछली बार पहले दिन एंट्री नहीं थी, इस बार पहले दिन एंट्री हो रही है रावण की और बहुत सारी चीज़ें नई इस बार रामलीला में देखने को मिलेगी। कलाकार भी कुछ नए आ रहे हैं और पिछली बार हमने 16 करोड़ दर्शकों ने देखा था और इस बार 25 करोड़ की उम्मीद है, 25 करोड़ से ज्यादा दर्शक देखेंगे।
सहारनपुर में जहां धारा 144 लगी हुई है, लखीमपुर घटना को देखकर ही सख्ती बढ़ाई गई है। मामले के बाद से अब अन्य प्रदेश में आने वाले लोगों को प्रदेश से घुसने के लिए परमिशन की आवश्यकता है। वहीं उसी के चलते अकाली दल के 4 से 5 गाड़ियां इलाके में जैसे ही प्रवेश करने लगी तो तैनात फोर्स ने उनको रोक लिया और जाने नहीं दिया, जिस पर अकाली दल के लोगों ने सड़क पर बैठकर रोड जाम कर दिया। इसके बाद मौके पर पहुंचे SDM प्रशासन ने समझा बुझा कर अकाली दल की एक गाड़ी को आगे के लिए रवाना किया, जबकि 3 से 4 गाड़ियों को वापस पंजाब भेज दिया गया। हम लखीमपुर जा रहे थे, उन लोगों के पास जिनके ऊपर तशद्दुद हुआ है और कितने ही नौजवान गाड़ियों के कुचले गए हैं, उनके साथ जो हक सच की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ मिलकर वो अपना प्रोटेस्ट जाहिर करने के लिए जा रहे हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि जिनके साथ ऐसी दुर्घटना हुई है उन परिवारों के घरों के साथ भी जाकर मिला जाए ताकि उनको बताया जाए कि केवल सहारनपुर दिल्ली रोड स्थित ग्रैंड रिसोर्ट में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक से गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। ब्लास्ट की पूरी घटना वहां लगे CCTV में कैद हो गई है। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि चारों तरफ आग की लपटें फैल गई। आग की चपेट में आने से 2 युवक बुरी तरीके से झुलस गए हैं, जिसमें उपचार के लिए अस्पताल ले जाते हुए 1 युवक ने दम तोड़ दिया जबकि दूसरे युवक को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मृतक युवक के परिजनों ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाते हुए ग्रैंड रिसोर्ट मालिक के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। सोनभद्र से लखीमपुर खीरी जा रहे झारखंड सरकार के कांग्रेस के 2 कैबिनेट मंत्री और आधा कई विधायकों को सोपिलिस ने विडमगंज के झारखंड बॉर्डर पर रोक दिया। बॉर्डर पर रोके जाने पर कांग्रेस नेताओं व उनके समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस नेताओं के हंगामे से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पन्नालाल गुप्ता ने कहा, योगी सरकार डरी हुई है, ये सरकार प्रदेश की जनता को प्रताड़ित कर रही है और यहाँ की पुलिस कभी भी किस व्यवसायी को पीट पीट कर मार देती है तो कभी जनता किसानों के ऊपर गाड़ी से कुचल कर हत्या कर देते हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। आज किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे हैं, इनका गृह राज्य मंत्री जो खुद हत्या का आरोपी है, उसके पुत्र ने जो हमारा किसान है उस किसान को जो है निर्दोष निरीह किसान जब रोड में जा रहा था उसके ऊपर गाड़ियां चला दी, कितनी हत्यारी, कितनी निरंकुश, कितना जो है ये बिल्कुल मानव विरोधी ये सरकार है। और जब हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने विरोध किया तो उनको जो है अलोकतांत्रिक अमानवीय असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया और हम उसका प्रतिवाद करते हैं। देखिए, हम लोग लगातार 3 बजे से यहाँ डटे हुए हैं, रात्रि 3 बजे से, और कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। पुलिस की फोर्स भर दी गई है और कोई सुनने वाला नहीं है। 144 धारा का हवाला देते हैं, 144 धारा का जब हवाला देते हैं तो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कैसे हो रहा है? हमारे मंत्री जो है बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता दोनों ने अपना प्रोग्राम भेजा हुआ था, अगर कोई ऐतराज था तो मुख्य सचिव को यहाँ से मना करना चाहिए था। हर जोर जुलुम के टक्कर में फतेहपुर के ओंग थाना परिसर में प्रभारी निरीक्षक शेर सिंह राजपूत के नेतृत्व में पीस समिति की बैठक संपन्न हुई। नवरात्रि के त्यौहार को देखते हुए ओंग थाना परिसर में प्रभारी निरीक्षक ने संबंध क्षेत्र के लोगों और पत्रकारों के साथ पीस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें नवरात्रि के पर्व को सकुशल संपन्न कराने को लेकर बातचीत की गई। इसी बीच पुलिस वालों ने कहा कि नवरात्रि के अवसर पर समस्त संभ्रांत के लोग अपनी जिम्मेदारियों के साथ क्षेत्र में अमन चैन बनाए रखें और नवरात्रि जैसे पवित्र को शांतिपूर्ण मनाए। बुलंदशहर में जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया। जिला अस्पताल में 500 MLP के 2 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन से जिला अस्पताल को काफी सुविधा मिलेगी। बता दें कि उद्घाटन के समय राज्य मंत्री अनिल शर्मा, सांसद भोला सिंह और DM रविंद्र कुमार मौके पर मौजूद रहे।
बिजनौर के नजीबाबाद में 3 दिवसीय माटी कला आधुनिक उपकरण परीक्षण कार्यक्रम का आज समापन हो गया। इस कार्यक्रम में जनपद के दूसरे जिले से आए 30 लोगों ने भाग लिया। बता दें कि जनपद में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने मंडलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केंद्र पर 3 दिवसीय माटी कला कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक चला। इस कार्यक्रम में माटी कला के आधुनिक उपकरण और उनका संचालन परीक्षण द्वारा किया गया। इसके अलावा कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथियों ने मिट्टी से बनी आकृतियों को देखकर जमकर प्रशंसा की। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों की ओर से परीक्षार्थियों को ग्राम उद्योग की तरह से सर्टिफिकेट भी वितरण किए गए। आजमगढ़ में बारिश के बाद नवरात्रि के शुरू होते ही देवी मंदिरों पर भक्तों की गहमागहमी रही। नवरात्र की शुरुआत हो गई है। नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा आराधना का विशेष महत्व है और ऐसे में दुर्गा माता का पुराना प्राचीन मंदिर जहां का तारों में दर्शन पूजन को लोग प्रतीक्षा करते रहे हैं। सबसे खास बात तो यह है कि दक्षिण मुखी मंदिर कोलकाता में है, वहीं दूसरी ओर आजमगढ़ में भी माता का दक्षिण मुखी मंदिर आस्था का केंद्र है। शहर का एकमात्र और सबसे पुराना मंदिर है जहां लोग दर्शन के लिए आते हैं। वहीं मंदिरों में भी मां के दरबार में भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर बंद होने तक लोगों की आस्था नवरात्रि में माता के प्रति बढ़ जाती है। शहर के बीचों बीच बना ये मंदिर, मंदिर के पुजारी का कहना है कि ये साधना का मंदिर है। यह दक्षिण मुखी देवी मंदिर है, दक्षिण मुखी काली मंदिर है ये। और ये यहाँ पे जैसा बताया जाता है कि यहाँ पे देवी स्वतः प्रकट हुई हैं और बहुत ही पौराणिक मंदिर है। यहाँ पे 9 दिन में माता का 9 रूप देखने को मिलता है और यहाँ पे अच्छी मान्यता है, लोगों की मन्नतें भी पूरी होती हैं, अच्छी भीड़ रहती है, अच्छी पूजा होती है। और एक शहर के हृदय स्थल चौक पे स्थित है, रिश्ता भी बहुत अच्छा हुआ है। चूँकि ये मंदिर बहुत ही पुराना है, इसको हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित किया गया था और आज चूँकि नवरात्र का पहला दिन है तो काफ़ी भीड़ रहती है। जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो आते हैं, लोग दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। कैसा साल पुराना मंदिर है? अब इसकी सही जानकारी तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरे 7-8 पीढ़ियों से तो लोग यहाँ हैं। अब खबर अलीगढ़ से है जहां एक ओर महिलाएं हवाई जहाज, एयरप्लेन, रेलगाड़ी सहित अन्य क्षेत्रों में नाम रोशन कर रही हैं, तो वहीं खेलों के प्रति भी महिलाएं कम आकर्षित नहीं है। खेलों में भी महिलाओं की तरफ से देश का प्रतिनिधित्व करते हुए देश को सर्वोच्च स्थान हासिल कराया है। ठीक उसी क्रम में आज भी महिलाओं के द्वारा कुश्ती दंगल में उतर कर अपने हुनर का एहसास कराया तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा खेल का मैदान गूंज उठा। अलीगढ़ में कुश्ती के दंगल का आयोजन किया गया। दंगल में विजय रहे लोगों को सम्मानित भी किया गया और तहसील इगलास के गांव साथनी में रोटी बैंक मुरलीवाला की तरफ से कुश्ती दंगल का कार्यक्रम आयोजित किया गया। खास बात यह है कि इस दंगल में प्रदेश के कई जिले से आए पहलवानों ने शिरकत की। विशाल दंगल का आयोजन किया जा रहा है जो कि विगत वर्षों से चला आ रहा है हमारे यहाँ, जो कि मुरलीवाला, श्री मुरलीवाला युवा सेवा समिति के तत्वाधान में किया जा रहा है। यहाँ पे करीब 100 से ज़्यादा कुश्तियाँ हुई, बहुत दूर दूर, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, आगरा, मथुरा, हर जगह से पहलवान आए, अपने अपने दाव पेच दिखाए उन्होंने। सिद्धार्थनगर जिले में बुधवार एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना को लेकर अहम क्लू मिलने का दावा किया है और जल्द ही घटना का पर्दाफाश की बात कही है। पूरे मामले पर पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि मृतक चेहलिया थाना क्षेत्र के कोल्होवा गांव का निवासी था और वो मस्जिद में जा रहा था। इसी दौरान अज्ञात लोगों ने उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट आने पर उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 5:15 बजे की बात है, वो आए, अंदर गए मस्जिद में, देखा उनको कि वो बिल्कुल सजदा के स्वरूप में वो जमीन पर लुढ़के हुए थे, बल्कि उन्होंने डांटा बोला कि क्यों इस तरह आके सो रहे हो, क्या हो गया, उठो। लेकिन अब वो गोली लग चुकी थी उनके गर्दन के नीचे, गर्दन पे, वो मर चुके थे, वो बोले नहीं कुछ। फिर देख, एक मस्जिद है जिसमें एक कमरुज्जमा नाम के व्यक्ति हैं, लगभग 55 साल उम्र है इनकी और प्रतिदिन की तरह ये नमाज़ पढ़ने के लिए आते थे और ये नमाज़ पढ़ने के लिए आए हुए थे और पीछे से आ करके किसी ने फायर करके इनकी हत्या कर दिया
इसमें सूचना मिलने पर तत्काल हमारी स्थानीय पुलिस, हमारे क्षेत्राधिकारी सौरतगढ़, क्षेत्राधिकारी सदर और पूरे SO मोहाना कपिलवस्त्र और पूरी टीम हमारी यहाँ पर पहुँची है। फतेहपुर में पिछले कुछ दिनों में अचानक से मकानों से गिरने की सूचना मिल रही है। इसी कड़ी में हथगाम ब्लॉक के कसराहपुर गांव में अचानक मकान से गिर गया। मकान से गिरने से परिवार लोगों में काफी नुकसान हुआ है। इसकी वजह से ये है कि परिवार के लोग काफी गरीब हैं और मजदूरों को काफी नुकसान हो रहा है। घर का सारा सामान बर्बाद हो गया है। परिवार के भरण पोषण में काफी समस्या आ रही है। गरीब परिवार अब इस आस में है कि कब उसे आशियाना मिलेगा। फिलहाल आशियाना न मिलने से लोग परेशान हैं। हाँ, मकान गिर गया है, रहने कोई जुगाड़ नहीं है और बहुत नुकसान हो गया। हम गरीब आदमी हैं, मजदूर आदमी, मकान गिर गया है। अगर ये तो आवाज मिल जाए तो हमको ज्यादा सही। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में बस इतना ही। और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। नमस्कार।